Which of the following has the least de Broglie wavelength moving with the same speed? We have to calculate de Broglie wavelength, wo bhi least bol raha hai, least de Broglie wavelength. Agar in sab ki speed kya hai? Same hai. So de Broglie wavelength hota hai h upon mass into velocity. ठीक है, अब सेम स्पीड है, इसका मतलब लैम्डा जो है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के. सो दैट मींस जिसका मास मैक्सिमम होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ मिनिमम होगा. तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास. इलेक्ट्रॉन का मास जो भी है वो लिख दो. CO2 का मास 44 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन का मास तो मास ऑफ प्रोटॉन ही मान लो. SO2 का मास, इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 64. तो 64 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में 1840 टाइम्स. अभी देख रहे हैं, तो ये तो सबसे कम है मास में, यानी इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ तो मैक्सिमम होगा. हमें क्या देखना है? जिसका मास सबसे ज्यादा है उसकी वेलोसिटी, सॉरी उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम होगा. तो किसका मास मैक्सिमम है? SO2 का. उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाएगा? मिनिमम. आई होप ये कैलकुलेट करने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी. मास नंबर SO2 कितना होता है? सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16, दो ऑक्सीजन है तो 32, दिस गिव्स अस 64. तो ये कितना टाइम्स हैवियर है? मास ऑफ प्रोटॉन्स के 64 टाइम्स. ऐसे ही CO2 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन है 12, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 16 × 32, ये भी कितना आ गया? 44. सो दिस इज 44 टाइम्स हैवियर देन अ प्रोटॉन. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट.